न्यूज इंडिया 27 नव्या पिढीचं नवं माध्यम. नाशिकच्या धार्मिक नगरीमध्ये राजपूत समाज बांधवांसाठी बांधण्यात येत असलेले राजपूत भवन हे राजपूत भाविकांसाठी अतिशय उपयुक्त ठरेल असं प्रतिपादन श्री 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 1008 प्रतापपुरी महाराज यांनी केलं आहे. श्री श्री 1008 प्रतापपुरी महाराज आमदार राहुल ढिकले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बापना बिअर हाऊस उपाध्ये कॉलेज परिसर नाशिक येथे राजपूत भवनाचे भूमिपूजन करण्यात आले त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी क्षत्रिय समाज फाउंडेशनचे अध्यक्ष भगतसिंग राठोड, उपाध्यक्ष विनोद सिंग शेखावत, किशोर सिंह कानोड भामाशाह राजस्थान राजपूत, परिषदेचे मुख्य रघुनाथ सिंह सुराणा राजस्थान राजपूत, परिषदेचे अध्यक्ष महेंद्र सिंग राठोड जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपूरचे, पूर्व छात्र अध्यक्ष कुणाल सिंह भाटी, अध्यक्ष अरविंद सिंह भाटी, महाराणा एकता मंच मुंबईचे अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह भाटी, राजेंद्र सिंह पांचाल यांच्यासह समाज बांधव बहुसंख्येने उपस्थित होते. यावेळी श्री 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 1000 प्रतापपुरी महाराज म्हणाले की क्षत्रिय समाज फाउंडेशन नाशिक शहर परिसरामध्ये विविध सामाजिक उपक्रम राबवत आहे. त्यांचं हे कार्य समाजासाठी अतिशय महत्त्वाचं आहे. हे भवन उभारण्यासाठी पदाधिकारी अतिशय मेहनत घेतात. संस्थेचे या धार्मिक नगरीतील काम अतिशय कौतुकास्पद आहे असं त्यांनी सांगितलंय. छत्तीस कौम जिस प्रकार आपके पूर्वजों के साथ थी ऐसे ही आज यहां खड़ी है, इसलिए मुझे विश्वास है कि वो भी आपको पूरा सहयोग करेंगे. ऐसी आशा के साथ में निश्चय ही ये प्रसन्नता की पल है कि आप लोगों के अंदर एक संकल्प इस धार्मिक नगरी पर हुआ, जहां कुंभ मेले का बहुत विशालतम और ऐतिहासिक आयोजन होता है. ये हम सबके लिए गर्व की बात है. और ऐसे धार्मिक नगरी में जन्म लेना या निवास करना और व्यापार करना ये भी आपके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है. और यहाँ आकर के फिर आप सबके लिए सोचेंगे, सबके लिए करेंगे, तो ये और अति उत्तम है. तो मैं पुनः मंगल कामना करता हूँ आप सबके लिए कि आपने अच्छा संकल्प लिया और भगवान आपका संकल्प पूरा कराएगा. और सबका सहयोग इसमें चाहिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास. ये जो मूल मंत्र है ये सबके ऊपर लागू है. सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका साथ. तो आप सब लोग साथ में मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, मुझे आशा और विश्वास है. और ऐसी धार्मिक नगरी में आई हो तो हमारे अंदर वो भाव भी रहना चाहिए कि यहाँ आकर के हमें बहुत कुछ देना है, बहुत कुछ करना है. यदि आप सब लोग यहाँ आए हो, जितने भी भामाशाह हैं उनको भी मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ. समाज के प्रबुद्ध लोग आए हैं कि नासिक वालों का संकल्प है हम सबको पूरा करवाना है. केवल नासिक के लिए नहीं है ये, केवल नासिक में रहने वालों के नहीं है, सबके लिए है. क्योंकि नासिक एक धार्मिक नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है. और जब भी कुंभ लगता है तो साधु संत और पूरे विश्व के लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं. तो सबके लिए है, हम सबको प्रयास करना चाहिए. आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपके कोई यहाँ आपके लिए एक संकल्प लेकर के कुछ बनाना चाहते हैं, इसमें सबको सहयोग करना. बड़े बड़े महानगरों से आप लोग संपर्क करें, बड़े भामाशाहों से संपर्क करेंगे, निश्चय ही आपका संकल्प पूरा होगा. यावेळी आमदार राहुल ढिकले म्हणाले की राजस्थान राजपूत समाजाच्या उपक्रमात आपला नेहमी सहभाग असतो. संस्थेच्या वतीने नाशिक शहरात उभारण्यात येत असलेल्या या राजपूत भवनासाठी आपण आवश्यक ती मदत देऊ, तसेच समाज बांधवांचे जे प्रश्न असतील ते सोडवण्यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. समाज भवन बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसमें उपस्थित बहन जी ने अभी मराठी में बोला और मुझे आमंत्रित किया, तो मैं हिंदी में भी थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ क्योंकि मोदी जी के साथ हूँ. अपने राजपूत समाज में बहुत ताकत है. उन्होंने ये नासिक के जो सामाजिक क्षेत्र है, इतर जो क्षेत्र है, उसमें उनका योगदान बहुत बड़ा है. हमारे भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे अपना समाज बहुत है. राजपूत समाज होगा, राजपूत समाज होगा, क्षत्रिय समाज होगा, बहुत सारे लोग हैं. और हमारे समाज का एक वैशिष्ट ऐसा होता है कि अगर अपन अपने राज्य में रहेंगे, गांव में रहेंगे, तो एक दूसरे का झगड़ा करेंगे. लेकिन जब अपन हम जब अपना
एरिया छोड़ते हैं, हमारा राज्य छोड़ते हैं, कहीं और जाके बसते हैं, तो हम वहाँ एकजुट से रहते हैं क्योंकि वहाँ एकजुट बनाने की जरूरत होती है। और जब हम एकजुट से रहते हैं तभी हमारी प्रगति होती है, और उस प्रगति का जो उदाहरण है वो तो नासिक का राजपूत समाज है। इसलिए सभी राजपूत समाज का और राजस्थानी भाइयों का मैं अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रदर्शित करता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा काम यहाँ पे शुरू किया है। और मैं अभी बोला कि योगदान बहुत है, तो उसका उदाहरण हमारा दीपक सेठ इधर बैठे है, नासिक में 50% से ज्यादा स्वीट्स का दुकान उनका ही है, क्योंकि सागर स्वीट्स या स्वीट्स बोले तो सब लोग दीपक सेठ का नाम लेते हैं। और इतना बड़ा योगदान हमारे पिंक सिटी वाले होटल वाले भाई भी बैठे यहाँ पे, पिछले महीने ही उनका होटल यहाँ पे अच्छी तरह से शुरू हुआ। केटरिंग में भी हमारे बहुत सारे राजस्थानी भाइयों का अच्छा काम है, कुछ लोग अपने बिल्डरशिप में भी है। और इतना समाज जो है वो यहाँ पे आके जो बसा है वो नासिक के प्रगति में उनका योगदान बहुत है। अभी मुझे स्वामी जी ने बोला कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा है। स्वामी जी हमारा खाली 20-22 किलोमीटर का है, लेकिन पूरा सिटी का है। और जब हम गांव में जाते हैं तो किसी गांव में जब जाते हैं तो गांव के पेड़ पे बैठे, पंचायत में गए तो गांव में सबको पता चलता है कि विधायक आके गए। लेकिन सिटी में ऐसा होता है कि हम किसी के फ्लैट में गए तो बिल्डिंग के बाकी लोगों को भी पता नहीं चलता कि अपने बिल्डिंग में विधायक आके गया। यावी सर्व समाज बांधवांना सोबत घेऊन काम करू असं क्षत्रिय समाज फाउंडेशनचे संस्थापक तेजपाल सिंह सोडा यांनी सांगितले। सर्वांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या विचारांवर काम करायला हवं असं महाराणा प्रताप एकता मंच मुंबईचे अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह भाटी यांनी सांगितले। नाशिकमध्ये राजस्थान राजपूत समाजाने केलेल्या कार्यातून राजस्थान मधील राजपूत समाजाला प्रेरणा मिळेल असं जय नारायण विश्वविद्यालयाचे अध्यक्ष अरविंद सिंह भाटी यांनी सांगितले। राजपूत समाजाच्या कार्यासाठी आपण पुढे राहून काम करू असं माजी अध्यक्ष कुणाल सिंह भाटी यांनी सांगितले। नाशिकच्या धार्मिक नगरिकाता राजपूत भवन निर्माण होत आहे, या कार्यात आपले योगदान राहील असं राजस्थान राजपूत परिषद मुंबईचे अध्यक्ष महेंद्र सिंह यांनी आपल्या मनोगत व्यक्त करताना सांगितलं। या प्रसंगी कॅप्टन किशोर सिंह राठोड, क्षत्रिय समाज फाउंडेशनचे उपाध्यक्ष विनोद सिंह शेखावत, वरिष्ठ सल्लागार रणजित सिंह चुंडावत, दयाल सिंह चौहान, तेजपाल सिंह शेखावत, गोविंद सिंह जाधव, राजस्थान राजपूत परिषद मुंबई यांच्या वतीने प्रत्येकी एक रूम बांधण्याची जबाबदारी घेण्यात आली आहे। या प्रसंगी राजस्थान राजपूत परिषदेचे अध्यक्ष महेंद्र सिंह यांच्यासह सर्व दात्यांचा श्री श्री 1008 प्रतापपुरी महाराज यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला। आज के इस कार्यक्रम का जो एक यूं कहें कि ये आज एक समाज का मील का पत्थर गाड़ा जा रहा है। राजस्थान से आकर के यहाँ आकर के इस नासिक धर्म नगरी में समाज का जो भवन बन रहा है ये पीढ़ियों तक याद रहेगा और पीढ़ियों तक समाज के काम आएगा। ये बहुत बड़ा कदम है। जिस तरह से बता रहे थे कि मैक्सिमम सभी समाजों के भवन बन गए हैं, बन भी रहे हैं, तो राजपूत समाज ने भी एक बीड़ा उठाया है। और इस बीड़े को उठाने वाले सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद उनको कि उन्होंने ये बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। मारवाड़ा अपने मारवाड़ी में कह रहे हैं कि पेल पग तोड़निया घना वेला, तो यहाँ उनसे संकोच मत करिया, सबसे पहले टांग खिंचाई वाले सबसे ज्यादा आएंगे, तो उसकी परवाह मत करना, आप तो काम का दे रखना। और अब यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगला जब भी ये भवन बनकर के तैयार होगा तो हम अवश्य रूप से वापस आपको बधाई देने के लिए आएंगे। सभी ने यहाँ पे अतिथि के रूप में बुलाया, मान सम्मान दिया, स्वागत किया, सत्कार किया, आपका खूब सारा साधुवाद। ज्यादा कोई बड़ा विषय नहीं है, पूर्व में अभी विराजमान प्रतापुर जी बाप जी ने एक अंतर आत्मा से जरूर ये जरूर कहा कि यहाँ पे आज हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए नासिक में, तो जरूर कुछ भाव बनते हैं, कुछ जागृति के भाव बनते हैं कि जितना हो सके हम इस पवित्र चीज के लिए सहयोग करें। तो मैं जरूर आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, बड़े भाई आदरणीय देश सिंह किशोरा साहब यहाँ उपस्थित है, जोधपुर से हमारा जो छात्र यूनियन स्टूडेंट यूनियन कहते हुए उन
तमाम जितने भी हमारा ग्रुप के अंदर सहभागी जो छात्र हैं और सभी बड़े भाई हैं, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे और आपके इस पवित्र चीज के लिए, समाज के इस पवित्र चीज के लिए जिस चीज में हम सभी योगदान कर रहे हैं, वो सभी किसी रूप में अनेक भामाशाह के रूप में योगदान करेंगे। मुझे विश्वास है आदरणीय किशोर सिंह जी करोड़ साहब से भी वो भी सहयोग करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जितना भी सहयोग बन पाएगा, जितना भी सहयोग हमारे से बन पाएगा, हम जोधपुर से भी आपका सहयोग करने के प्रयास करेंगे। मेरा एक आपके सामने विषय रहेगा क्योंकि ये पवित्र स्थान है नासिक, यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। न्यूज इंडिया मराठी साठी हेमंत काळमेघ सह अश्विनी पुरी, नाशिक।